हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूं एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक। केक बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ध्यान में रखने की ये है कि हमें मेजरमेंट जो है वो उसका परफेक्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनिए। परफेक्ट केक बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपके पास अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो आप ये जो हमारा चाय का कप है ये हर किसी के घर में होता है तो इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में ये मैदा लिया है, इसको मैंने इस कप से डेढ़ कप, मतलब ये मीडियम साइज़ के कप से डेढ़ कप मैदा इस कटोरी में निकाल लिया है। तो केक बनाने के लिए हमें चाहिए है ये मैदा। ये मैदा मैंने इस कप से डेढ़ कप मैदा लिया हुआ है और जितना मैंने मैदा लिया है उतनी ही मैंने चीनी को पीस लिया है, मतलब कि ये पाउडर्ड शुगर है। और ये मैंने लिए हैं चार अंडे और ये मैंने जितना मैंने चीनी यूज़ किया है उससे आधा बटर को मेल्ट कर लिया है। और हमें चाहिए है ये बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, और जिस भी एसेंस को आपको यूज़ करके इस केक को बनाना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लिया है एसेंस। एसेंस हम यूज़ करते हैं केक को फ्लेवर देने के लिए, तो आपके घर में अगर एसेंस है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप स्किप भी। तो केक का बैटर बनाने के लिए आप इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इजीली सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये इन अंडों को फोड़ करके। तो देखिए हमने इसमें चारों अंडों को डाल लिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपके पास अगर इस तरीके का बैटर है तो आप इससे मिक्स कर लीजिए या फिर आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये शुगर, पाउडर्ड शुगर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने शुगर डाल करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मैदा। डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसमें हमने डाला हुआ है 1/2 ग्लास पानी और मैं इसमें अब ये स्टैंड रख दूंगी और इसको गैस ऑन कर दीजिए और गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पे और इस तरीके से इसको ढक दीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे ये एसेंस। तो ये हमने परफेक्ट बैटर बना लिया है, ये देखिए। बस अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का केक बनाने का सांचा ले लेंगे। केक मोल्ड को आप बटर से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए चारों तरफ से, ये देखिए ये मैंने कर लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। अभी इसमें हम ये अपना बैटर डाल देते हैं। ये देखिए बैटर हमने इसमें डाल लिया है। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए आपको गैस में इस तरीके का कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हम डालेंगे ये 1/2 ग्लास पानी और मैं इसमें अब ये स्टैंड रख दूंगी और इसको गैस ऑन कर दीजिए और गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पे और इस तरीके से इसको ढक दीजिए। जो हमारा बर्तन हमने प्रीहीट करने रखा था अब इसमें हम ये मोल्ड को रख देंगे। इसको इसके आसपास की भाप नहीं निकलना चाहिए, आप इस तरीके से ढांकिए। अगर आपको लगता है कि भाप निकल रही है तो इस तरीके से कोई भी हैवी चीज रख दीजिए। मीडियम फ्लेम पर रखना है और 40-45 मिनट के बाद आपका केक बन करके तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं 45 मिनट बाद। ये देखिए कितना फ्लफी बना है हमारा केक,
और हम अब इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पक गया है या नहीं। उसके लिए आप इस तरीके से कोई भी चाकू ले लीजिए और चाकू को इस तरीके से डाल करके देखिए कितना इजीली हमारा चाकू निकल गया और इसमें कुछ भी नहीं है, ये साफ है। इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो अच्छे से पक चुका है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। एकदम से गरम गरम आपको नहीं निकालना है और हम इसको अब इस तरीके की किसी भी प्लेट या थाली पे निकाल लेंगे। आप इस तरीके से चाकू लीजिए और इसको इस तरीके से ताकि इजीली आपका केक निकल जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है। तो ये देखिए मैंने अपना केक ना परफेक्ट हमारा केक बन करके तैयार हुआ है और हम इसको ऐसे तो ये देखिए इतना सॉफ्ट केक बना है। और मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा केक बना है ना परफेक्ट एकदम। मैं इसको हाथ से भी प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फ्लफी बना है। देखिए आप इस तरीके से एक बार केक बना करके देखिए और आई एम श्योर आपका केक भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही फ्लफी और स्पॉन्जी बनेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।